इंडिया की कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है 1,70,00,000 WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? आई डोंट नो येट। तो वो तो जिसने लगवानी लगवा ले, पर मुझसे पूछ रहे तो मैं नहीं लगवाऊंगी इंडिया की। हाँ तो अच्छी है ना, ठीक है ना, अमेरिका के बजाय इंडिया के यूज़ करें हम, साया मुल्क हमारा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुहैब। अच्छा जुहैब, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि 1,70,00,000 इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय? नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल आनी चाहिए, अगर किसी की जान बच सकती है तो अच्छी बात है, आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज़ करने की, तो कौन सी चूज़ करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का, क्योंकि उनकी वो चाइनीज शक्लें और तरह के, पता नहीं वैक्सीन काम करे कि ना करे, पाकिस्तान की इंडिया की कर जाएंगी, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफ़ी देर, मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। अहमद, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि 1,70,00,000 इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय? अच्छी बात है, आनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जाएं, आगे बहुत नुकसान हो चुका है मार्केट का भी, इंसानियत का भी। हाँ तो अच्छी है ना, ठीक है ना, अमेरिका के बजाय इंडिया के यूज़ करें हम, साया मुल्क हमारा, वो लाजमी तो नहीं है कि वो दुश्मनी है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अच्छी राय है, आनी चाहिए वैसे, पता कराइए पाकिस्तान में, पर यहाँ पे फिर वो नज़रिए का फ़र्क हो जाता है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि लगवानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगवानी चाहिए। और अच्छी बात है, इमरान खान लेकर आ रहा है, इतने पैसे लेता है अगर हमसे तो, यहाँ टैक्स वगैरह लेता है, तो फिर वो उसका एजुकेशन का भी, हेल्थ का भी, सब चीज़ों का हकूक है, तो फिर आनी तो चाहिए। अच्छा, तो गरीब आवाम को मिले ना, ये नहीं है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मिले और हम इन सब लोगों को ना मिले, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। इंडिया की कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है 1,70,00,000 WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगर वो अच्छी चीज़ है तो हमें यूज़ करनी चाहिए। अच्छा सर, अगर आप, आपके पास दो ऑप्शंस हों, चाइना और इंडिया की वैक्सीन यूज़ करने, कौन सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे? हम चाइना की प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। मेरे यहाँ से अच्छी बात है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन करवाएं तो, कोरोना से बचाव के लिए अच्छी बात है, जहाँ से भी मिल रही है करवा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आ रही है तो शुक्र है, आ रही है इस मुश्किल घड़ी में, जहाँ से भी हमें वैक्सीन मिल रही है हमें लेनी चाहिए, ये तो इलाज है, इलाज के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वैसे भी यहाँ से लोग इंडिया इलाज करवाने भी जाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मोस्टली लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं। इट्स गुड इफ़, अगर ये लेजिटमेट है, मतलब प्रॉपरली है, और इसके अंदर कोई मतलब क्या कहते हैं आप उसको, मिलावट नहीं है और प्रॉपर आ रही है, देन इट्स गुड कि पाकिस्तान में वैक्सीन आए एंड लोग हील अप हों, ठीक है। बट अगर तो इसमें भी कोई माफिया इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें लाइक क्या कहते हैं आप, मिलावट हो जाती है एंड वी डोंट नो इफ़ इट्स प्योर और नॉट, तो दैट वॉन्ट बी गुड एनी मोर। तो वैसे सही है अगर वैक्सीन पाकिस्तान में आती है इंडिया से। आई थिंक बहुत अच्छी बात है अगर आ रही है, बट लाइक उसके ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि यू नो व्हाट इफेक्ट इट हैज़। तो इफ़ इट वर्क्स तो बहुत अच्छी बात है एंड यू नो एवरीबॉडी कैन देन, उसका फ़ायदा ही होगा। तो या दैट्स अबाउट इट। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया, इंडिया की वैक्सीन अच्छी है एंड आई हैव मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड, वैक्सीन अच्छी है, चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है इंडिया की जो, वो यूज़ करें डेफिनेटली, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। हाँ इंडिया की, बिल्कुल इंडिया की, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, कोई भी नहीं, कोई दोनों ही नहीं, नहीं, काम खराब। हाँ जी, यानी कि आप लगवाएंगी नहीं वैक्सीन? हाँ नहीं लगवाऊंगी मैं, ऐसे ही जिंदा रहे? हाँ वैसे अभी तक तो वैसे ही जिंदा है, इंशाल्लाह ताला इसके बगैर भी जिंदा रहे, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। इंडिया की वैक्सीन यूज़ करें, सब यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया इंडिया की। क्यों? ऐसे ही बस, इंडिया ज़्यादा बेहतर है, वो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसलिए ना, चाइना की फिर चाइना की होती है ना। इंडिया। क्यों?
क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। अगर आपको ऑप्शन दी जाए चाइना और इंडिया की वैक्सीन यूज़ करने की, तो आप कौन सी यूज़ करें? मैं चाइना की। क्यों? क्योंकि वहाँ से बीमारी आई है, अब मेरा पेट ख़राब है तो मुझे पता है उसको कैसे ठीक करना है, इसलिए आई थिंक मैं इंडिया की यूज़ करूँगी। या क्यों? आई डोंट नो, चाइना की चीज़ें थोड़ी नकली होती हैं, सो दैट इज़ वॉट वी हैव इन आर माइंड, बट आई मीन डिपेंड्स विच वन वर्क्स बेटर। सो ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? इंडिया की वैक्सीन में पता क्यों कह रहा हूँ अच्छी है, क्योंकि इंडिया में हम रहे हैं, उनका मतलब जो हमारा सिस्टम है ना वो काफ़ी मिलता जुलता है। अगर इंडिया में कामयाब तो पाकिस्तान में कामयाब हो जाएगी, चाइना में उनकी तरह चीज़ें ही हो रहा है एक जैसी, समझ रहे ना आप? जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें चाइना से बेहतर हैं, तो इंडिया की क्यों नहीं हो सकती है? इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या इंडिया की वैक्सीन बेहतर है चाइना से? डेफिनेटली, मैंने जिसे लाइक आप कह लें फ्रेंड से जिसने लगवाई है, ही सेज के द रिजल्ट्स आर गुड, ठीक है। और जहाँ तक सुना है लोगों के बारे, लोगों से सुना है, मैंने प्रैक्टिकली देखी तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली चाइना से तो बेहतर है इंडिया की वैक्सीन। क्या इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? आई डोंट नो येट, वो तो बाद में पता लगेगा कि उसका क्या इफेक्ट आता है दोनों का, बट हो सकता है कि बेटर हो, आई कांट से एनीथिंग। बहुत बेहतर है, स्वाद में भी अच्छी है। जी इंडिया की बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स अच्छे हैं उनके। जी अच्छा सर, पाकिस्तान में पहले भी कोई ज़्यादातर डॉक्टर्स थे जो इंडिया से ट्रेनिंग करके यहाँ पे आए हुए थे, इसलिए आई थिंक बेहतर है। वो क्या लगता है, इंडिया की वैक्सीन चाइना से बेहतर है? नहीं। क्यों? मुल्क दुश्मनी है मेरी। हाँ जी, तो फिर आई है तो लगाएंगे? तो वो तो जिसने लगवानी लगवा ले, पर मुझसे पूछ रहे तो मैं नहीं लगवाऊंगी इंडिया की। है कि क्या हम भी कभी इस फील्ड में वर्क कर पाएंगे? नहीं। अच्छा कि ये बहुत बड़ी आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने एक इंडिपेंडेंट अदारा यूनाइटेड नेशन, जिसका के जिसपे हम लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपने उनसे जो रिपोर्ट हासिल की है वो आपकी कोशिशों का एतराफ भी करती है, और भारत के रोल के बारे में भारत जो कुछ वो कर रहा है उसकी तरफ भी उसने कुछ निशानदेही की है। ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई एक मुकम्मल तौर पे गैर जानबूझकराना रिपोर्ट है। आप देखिए कि हमने जो डोजियर दिया था उसमें हमने ऐसे कैंप आइडेंटिफाई किए थे अफगानिस्तान में जो लॉ के जेर सरप्रस्ती वहां पे चलाए जा रहे हैं। अब ये वो चीजें मौजूद है जिनको जाके देखा जा सकता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह अगर बरसा बरस से, पिछले इतने सालों से, आप देख लीजिए कि 15 सालों से तो हम ये भारत का झूठ का भी किस्सा निकल आया, लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 सालों से हम ये कह रहे हैं कि भारत कहां आ रहा है और ये अमेरिका के अपने नाक के नीचे हो रहा है, CIA वहां मुलव्वस है, और नेटो के वजह से बेशुमार सारी एक कितना बड़ा नेटवर्क वहां पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का, मगरबी दुनिया का। क्या ये उनकी आनत उनकी इजाजत के बगैर हो रहा है? अगर नहीं तो कम से कम इसमें खामोशी उनकी जो है वो आप कह लीजिए कि उनकी रजामंदी जाहिर करती, उस पर किसी ने कोई तस्करा नहीं किया। लेकिन इससे अब फायदा उठाना चाहिए। असल चीज ये है कि जो भारत FATF में आपको लेने की वजह से वो ये था कि यूनाइटेड नेशन ने जिन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं करता, लेकिन इस रिपोर्ट ने इतराफ किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई, उनके एसेट्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं, FATF में जा सकता है अपने केस के लिए भी, और भारत के खिलाफ इनके बारे में ये शवाहद आ चुके हैं, तो हमें उधर फायदा उठाना चाहिए। इस चीज में नहीं तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बड़ी ताकत उनकी मजम्मत करे, वो शायद ना हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली आप जमीन पे अपनी कोशिश से फायदा उठा सकते हैं वो हमें जरूर उठाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए, तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए, जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे, ठीक है? उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो, उसके लिए तो वो खुद ही हैं। अजी नीम का पत्ता कड़वा है, अजी नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान बड़वा है।